नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक प्लैनेट पर। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, ये है GTA 5 की सीरीज़ जो कि मैंने स्नैपडील से फाइनली मंगवा ली है, जो कि एक ऑफलाइन वर्जन है, क्रैक वर्जन इसका। दोस्तों, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कैसी ये जो आपको गेम देखने को मिलती है, और PC में भी पूरी इंस्टॉलेशन करके बताएंगे आपको, और साथ ही साथ एक छोटा सा GTA 5 का गेम प्ले भी करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गेम है, ये GTA 5 ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ऑफलाइन वर्जन है, जो कि आपको स्नैपडील पे मिल जाएगा, जिसमें जो आप ऑफलाइन अपने PC में इस गेम को इंस्टॉल करके फाइनली खेल सकते हो। दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहेगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है GTA 5 का, और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कैसे आपने इसे परचेज करना है और क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, बॉक्स को फाइनली हमने जो है ओपन कर लिया है, और इस तरह से आपको GTA 5 का रैप हुआ जो है पैकेट देखने को मिलता है। दोस्तों, स्नैपडील ने काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है, काफ़ी पक्की पैकिंग कर रखी है। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे इसे खोलने में, लेकिन फाइनली जो है बाहर आ गया है। तो दोस्तों, हम इसके ऊपर वाले रैप को भी जो है निकाल देते हैं और देखते हैं अंदर से ये कैसा दिखता है। दोस्तों, पैकेट जो है काफ़ी पक्का जो है किया हुआ है स्नैपडील ने, और मतलब काफ़ी जो है इसकी पक्की पैकिंग की रखी है। तो दोस्तों, फाइनली जो हमने GTA 5 गेम बाहर निकाल ली है, इस तरह से आपको जो GTA 5 देखने को मिलती है, इसकी सीरीज़ आगे पीछे से पैक आपको इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि ऑफलाइन वर्जन है, जिसमें आप अपने PC में आसानी से ऑफलाइन वर्जन में इसे खेल सकते हो बिना किसी अकाउंट के और बिना किसी आपको GTA 5 को अपडेट किए। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसे अंदर से क्या कितनी जो है CDs हमें देखने को मिलती है GTA 5 की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है आपको CDs देखने को मिलेंगी, इन सभी में जो है आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि GTA 5 के आपको कोई 9 CDs जो है देखने को मिलती है, और इनमें अलग अलग तरह के 9 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इन सभी CDs में मौजूद है, और आपको इन सभी CDs को सबसे पहले जो है अपने PC में जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह की जो है मुझे हर पैकेट में 2-2 CDs मिली थी, और साथ ही साथ मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कुल 9 CDs हैं जो कि हमें इस पैकेट में जो है मिली है। तो इन सभी CDs को जो है हमें कॉपी करना है अपने PC में। तो चलते हैं अपनी PC की तरफ और इन सभी CDs को अब अपने PC में कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने PC को ऑन कर लिया है और PC में डाल दी है पहले पार्ट की GTA 5 की CD। आपने इन सभी CDs को जो है कॉपी कर लेना है एक फोल्डर में अपने PC में, और जब आप सभी CDs को कॉपी कर लोगे तो इस तरह जो है फोल्डर में आपको 9 के 9 पार्ट 9 CDs के देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही आप इन सभी को एक जगह कॉपी कर लोगे तो इनको सेलेक्ट ऑल करना है आपने, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद बैक क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं सभी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऊपर जो फोल्डर बन जाएगा GTA 5 का, फाइनली उसे ओपन करना है। अंदर होगा सॉफ्टवेयर GTA 5 का, उस पर क्लिक करके आपने जो है इसे सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है अपने PC में। तो दोस्तों, इस तरह जो है आपको इंस्टॉलेशन का सेटअप देखने को मिल जाता है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगर आपके 2 GB से या 2 GB के आसपास आपके PC में रैम है तो आपने 2 GB के रैम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है। अगर ज़्यादा है 8 GB तो आप उस पर क्लिक नहीं भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें आपको वार्निंग दी हुई है, सबसे पहले जो है आपने सीडी कॉपी करने से पहले अपने एंटीवायरस को या तो अनइंस्टॉल कर देना है, या अगर आपको डिसेबल करना आता है तो आप डिसेबल भी कर सकते हो अपने एंटीवायरस को, क्योंकि अगर आपने एंटीवायरस अपनी सीडीज को कॉपी करने से पहले डिसेबल या अनइंस्टॉल नहीं किया तो आपकी GT5 की जो है फाइल्स मिसिंग हो जाएंगी या डिलीट हो जाएंगी, जो कि एंटीवायरस उसे डिटेक्ट करेगा, यानी कि आपकी जो है गेम प्ले नहीं होगी, वो बार बार मिसिंग फाइल ही शो करेगा। और आपने जो इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी से, क्योंकि ये कुछ अपडेट मांगेगा, कुछ 38 MB का कुछ अपडेट होगा, 35 MB का, तो वो आपको किसी तरह अपडेट करना पड़ेगा इंटरनेट कनेक्ट करके, फिर चाहे आप अपने पीसी से वाईफाई या फिर डाटा केबल के थ्रू, अगर आपके पास एडिशनल कोई ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो आपने ले रखा है अपने कंप्यूटर में, तो किसी भी तरह आपने जो है अपने पीसी में इंटरनेट को कनेक्ट करके अपडेट कर लेना है, जैसे कि मैंने अपडेट कर लिया है। उसके बाद जो है आप अपने पीसी में इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। अब जो है आपका सेटअप इंस्टॉलेशन पर लग चुका है दोस्तों, इसे इंस्टॉल होने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पीसी की परफॉर्मेंस पे कि कितना वो टाइम लेता है। हालांकि मुझे जो है मतलब 2 घंटे का समय लग गया था इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपका सेटअप, उसके बाद जो है आपको फिनिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिनिश के बाद जो है आपकी सारी फाइल्स चेकिंग होगी, ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद और फाइल्स चेक होने के बाद आपको जो डायरेक्ट एक्स का जो है सेटअप देखने को मिलेगा, उसे भी आपने इंस्टॉल कर। और इसके अलावा C++ माइक्रोसॉफ्ट के 2 सॉफ्टअप आपको और भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो कि ये गेम खुद आपको शो करके देगी। गेम जो है आपको ऑटोमेटिकली वो सेटअप ओपन करके देगी। दोस्तों अब जो है इंस्टॉलेशन के बाद हमारी गेम जो है रेडी हो चुकी है खेलने के लिए। दोस्तों हालांकि ये गेम फुल स्क्रीन में प्ले होती है, लेकिन फुल स्क्रीन में ये गेम रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, इसलिए मुझे इस गेम को थोड़े छोटे में प्ले करके आपको दिखाना पड़ा। तो दोस्तों आगे हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और चलिए जान लेते हैं स्नैपडील पे जाके कि कैसे जो है आपको सीडीज़ जो है GT5 ऑफलाइन वर्जन की देखने को मिलती हैं और क्या इसका प्राइसिंग है। तो सिंपली आपने अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और स्नैपडील को ओपन कर लेना है। स्नैपडील में जाकर सर्च बार में आपने सर्च करना है GT5 ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जो है आपको सर्च करने के बाद इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपको जो है GT5 ऑफलाइन वर्जन जो है 699 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने रुपए में आप ऑर्डर कर सकोगे स्नैपडील पे। और स्नैपडील पे ये काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है आपको जो है GT5 ऑफलाइन यही सीडी अमेज़ॉन पे 1500 से 2000 के बीच में पड़ रही है। और साथ साथ इसमें कुछ ऑफर्स भी चले रहते हैं, जैसे कि आपको बार कोड वगैरह कुछ मिलता है जिसके डालने के बाद आपको और भी डिस्काउंट मिलेंगे, और ये सीडी आपको और भी सस्ती इससे भी ज़्यादा मिल सकती है स्नैपडील पे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप GT5 ओरिजिनली ही ऑर्डर करें, ताकि काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको GT5 का मिल सके GT5 की ओरिजिनल सीडी के साथ। लेकिन उसकी प्राइसिंग जो है अमेज़ॉन पे 2800 रुपये है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आप GT5 का ओरिजिनल सीडी अमेज़ॉन से जो है परचेज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर में अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप GT5 का ओरिजिनल वर्जन इंस्टॉल करोगे अपने पीसी में तो उसमें जो आपको 40 से 50-60 GB अपडेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उस अपडेट के बिना आपकी गेम जो है प्ले नहीं होगी। अगर आप जो है GT5 ओरिजिनल किसी रीज़न से परचेज नहीं करना चाहते, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं है जिससे कि आप उसे अपडेट कर सकें, तो आप ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ GT5 की सीडी को मंगवाने से पहले आप ये भी चेक कर लें कि GT5 को प्ले करने के लिए क्या हार्डवेयर आपके पीसी में होना चाहिए, ताकि आपकी GT5 आपके पीसी में अच्छे से वर्क करे।
अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हार्डवेयर जो है आपके पीसी में होना चाहिए ताकि आपकी GTA 5 अच्छे से आपके कंप्यूटर में वर्क करे, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों आज जो हमने की GTA 5 ऑफलाइन वर्जन की अनबॉक्सिंग, तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।